हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है ना डॉट कॉम। मेरा नाम है तृप्ति जैन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, हम स्टडी कर रहे थे कि जो हमारी कंपनी है उसका प्रमोटर कौन होता है, वो क्या क्या फीचर है उसके। अब हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि जो हमारा प्रमोटर है वो किस तरह के फंक्शन करता है हमारी कंपनी में। जो हमारी कंपनी है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जो हमारा प्रमोटर है, जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो क्या करेंगे, डिपेंड करेगा कि कंपनी का नेचर कैसा है, कंपनी कैसी है, उसी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो हमारा प्रमोटर का आता है वो क्या आता है, जो हमारा प्रमोटर है वो कंपनी की फॉर्मेशन में करने से पहले अपनी प्लानिंग करता है कि हमें किस तरह की कंपनी चाहिए, कैसा हमारा नेचर होना चाहिए, किस तरह की हमारी जो कंपनी है उसमें रॉ मटेरियल होने चाहिए। तो उस सब के बारे में क्या करता है, प्लानिंग करता है एंड एक्सेसिंग द पॉसिबिलिटीज, और उन सबको एक्सेस करता है जो भी हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलेक्टिंग द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो हमारे प्रमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा कंपनी का डायरेक्टर होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं और गेटिंग देयर कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, और उनकी कंसेंट लेते हैं, उनकी इजाज़त लेते हैं कि वो डायरेक्टर की तरह एक्ट कर पाए। नेक्स्ट, जो हमारे प्रमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपनी का नेम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसका नेम क्या होना चाहिए, कंपनी की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से डिफाइन करते हैं, कंपनी की कैपिटल कितनी है, जो हमने कंपनी बनाई है उसमें हमारे क्या एक्सपेंसेस लगे हैं, कंपनी में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या क्या हमारी पूरी कॉस्ट आई है, उन सब के बारे में हमें कौन बताते हैं, हमारे प्रमोटर बताते हैं। जो हमारे प्रमोटर हैं वो क्या करते हैं, जो वो क्या किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्टिंग द बैंकर्स सिग्नेचरीज, मीन्स वो क्या करते हैं प्रमोटर, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है हमारी कंपनी की जो बनाई जाती है, उसमें वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जो भी मतलब हमें अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स चाहिए, स्पेशलाइज होते हैं वो इन फील्ड में, उनको क्या लेके आते हैं, वो लेके आते हैं कंपनी में, सेलेक्ट करते हैं उनको इंडिविजुअली। और हम एक फंक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो हमारे प्रमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आइडिया डिस्कवर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी कंपनी है, उसका कैसा प्लेस होना चाहिए, उसमें किस तरह के रॉ मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए। वो क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है और जो प्लेस है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, जो हमारी कंपनी है उसका नेचर कैसा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो हमारे प्रमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं किस किस चीज़ को, जो भी कंपनी के फॉर्म होने से पहले नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपका प्रोस्पेक्टस हो गया, आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गई कंपनी की, इन सबको प्रिपेयर करते हैं कौन, हमारे प्रमोटर। नेक्स्ट आता है, जो हमारे प्रमोटर होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है कि जब हमारी कंपनी जो रजिस्टर्ड होए वो उस टाइम पे क्या हो, प्रेजेंट हो, बीइंग प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, मीन्स उनको प्रेजेंट होना जरूरी होता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम। नेक्स्ट, जो हमारे प्रमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसके साथ, सेलर्स ऑफ प्रॉपर्टी के साथ, तो अंडरराइटर्स के साथ और ब्रोकर्स के साथ, मींस जो प्रॉपर्टी को बेचने वाले होते हैं, मींस आपको कोई भी बिल्डिंग चाहिए तो उसका जो मेन हेड है उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अंडरराइटर्स का मीनिंग क्या होता है, अंडरराइटर वो होते हैं जो आपको कमीशन बेस पे आपका काम करते हैं, मींस आपने उसको, कोई आपने अंडरराइटर हायर किया, आपने उसको बोला कि आपको हमारे 5 प्रोडक्ट किस इस तरह से बेचने हैं, तो वो क्या कहता है, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैं इतना कमीशन लूँगा, तो मतलब आपने उसका 10% कमीशन इसमें क्या कर दिया, सेट कर दिया एक प्रोडक्ट को बेचने में, तो आप जो उसको कमीशन दे रहे हो, तो अंडरराइटर क्या करते हैं, उस कमीशन बेस पे काम करते हैं, तो जो कमीशन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटर्स। तो जो हमारे प्रमोटर हैं वो क्या करते हैं, आपके सेलर्स के साथ, आपके अंडरराइटर्स के साथ और ब्रोकर्स के साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, जो हमारे प्रमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, गेट करते हैं, लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, किससे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से वो क्या करते हैं,
कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेते हैं। नेक्स्ट वो क्या करते हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट मतलब अरेंज करते हैं, मतलब हमें किस तरह से इन्वेस्ट करनी है, किस चीज़ पे करनी है, कितनी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है। तो जो हमारे प्रमोटर होते हैं वो इन सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं। उसके बाद वो इशू करते हैं शेयर और डिबेंचर, किसको, आपके शेयर होल्डर को और डिबेंचर होल्डर को। तो हमारे प्रमोटर ये काम भी करते हैं। नेक्स्ट दोबारा से हमारा ये पॉइंट रिपीट हो रहा है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारी प्राइवेट कंपनी में क्या है, सेकेंड स्टेज है। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी क्या होता है, नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। क्योंकि जो पब्लिक कंपनी है वो क्या करती है, अपनी कैपिटल को रेज करती है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी कंपनी के कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लें। तो जो हमारे वो हैं प्रमोटर्स हैं वो इस तरह से क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि जो आपके पर्पस है, आपका जो एम है, जो आपका गोल है, वो आप क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो ये हुए हमारे प्रमोटर्स के फंक्शंस। आज के लेक्चर में हमने इतना ही स्टडी किया है, हमारे आगे लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए, अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मेल के थ्रू मिलती रहे तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक के जरिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ट्विटर के जरिए अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉग के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा आप हमारी साइट पर जाके विजिट कीजिए, जिसका नाम है www.aasanhaina.com। वहाँ पर आपको हमारे सारे लेक्चर एक सीरीज में मिलेंगे, आपको उसे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।